नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इंटरप्राइजेज भवरनाथ आजमगढ़, इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम, त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला, जी बी ग्लोबल स्कूल के बगल में करतालपुर तिराहा आजमगढ़, सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंशपुर आजमगढ़, स्नातक स्नातकोत्तर बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन ओपन जल्दी करें, लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध, और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन प्लेग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने चिकित्सक से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को मुठभेड़ के दौरान उकरौड़ा पुलिया के पास एक्सप्रेसवे सर्विस लेन के पास गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार शहर के मोहल्ला गुलामी का पूरा निवासी चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय राम सूरत यादव ने स्थानीय थाने में तहरीर दिया कि 9 अक्टूबर को प्रातः एक अज्ञात नंबर से फोन करके 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। दोबारा 10 अक्टूबर को फोन आया और तीसरी बार 11 अक्टूबर को 40 लाख की रंगदारी देने की बात की गई तथा पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इस तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। शनिवार को थाना प्रभारी कोतवाली शशिमौली पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि डॉक्टर संजय यादव से रंगदारी मांगने वाला आरोपी उकरौड़ा की तरफ से सर्विस लेन पकड़कर बनकट की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने सर्विस लेन उकरौड़ा पुलिया पर घेराबंदी करके सामने से आ रही मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास करने पर मोटरसाइकिल सवार द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई जिसमें अपराधी के दाहिने पैर में गोली गली जिससे वह घायल होकर गिर गया, जिसकी पहचान अम्मार उर्फ निजात पुत्र सुभान अहमद निवासी बनकट थाना मुबारकपुर हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी अम्मार उर्फ निजात ने बताया कि मेरे पिता सुभान अहमद पूर्व में डॉक्टर संजय यादव के घर पर फर्नीचर बनाने का कार्य करते थे और ग्राम बनकट में डॉक्टर संजय कुमार यादव के फार्म हाउस की बाउंड्री निर्माण में भी कार्य कर रहे थे। पिता के कार्य करने के कारण ही आरोपी अम्मार उर्फ निजात डॉक्टर संजय कुमार यादव से परिचित हो गया था तथा उनके फार्म हाउस व घर भी जाता था। इनकी संपत्ति देखकर मैंने सोचा कि इनसे फोन करके डरा धमका कर पैसे की मांग करने से कुछ पैसा मिल जाएगा, इसलिए मैंने घटना की। गिरफ्तारी करने वाली टीम सब इंस्पेक्टर जाफर खान, अखिलेश पांडे, कांस्टेबल धीरज, रणवीर यादव, अंकित कुमार शामिल रहे। वाली क्षेत्र में कुमार उर्फ निजात नाम के अपराधी जो बनकट क्षेत्र का रहने वाला है, उकरौड़ा पुलिया के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ इसकी हुई है। वह इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इस अपराधी के द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के डॉक्टर से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और न देने पर इसने जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 584/23 धारा 386 504 506 आईपीसी का कायम किया था। पूछताछ में यह पता लगा है कि इस अपराधी के पिता डॉक्टर के यहां पर फर्नीचर का काम करते थे और लालच में आके इस अपराधी के द्वारा ये कृत्य किया गया है। शीघ्र ही इस आदमी को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा व 10 दिन के भीतर चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियाम के समीप कादीपुर गांव में बीती आधी रात को विवाद के बाद पत्नी पर अपने पति को ही चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। गंभीर हालत में पति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टर ने रेफर कर दिया। इसके बाद घायल को शहर के ही दक्षिण रामपुर स्थित एक नर्सिंग होम में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घायल का नाम 50 वर्षीय रामविजय यादव है जो कि कादीपुर का निवासी है। रामविजय के मामा के लड़के अशोक कुमार यादव ने बताया कि रात करीब 11 बजे के आसपास की घटना है। उनको इसकी जानकारी करीब 1:30 बजे हुई। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सुनते हैं मामले में अशोक कुमार यादव ने क्या जानकारी दी। कब घटना हुई है? रात को हुई है, 11 बजे। रात 11 बजे। किससे विवाद था?
और पत्नी से था। पत्नी ने मारी है, किस चीज़ से मारी है? चाकू था। आप लोगों को कब जानकारी हुई है? हम लोग जानकारी 1:30 बजे हुआ, 1:30 बजे सीधे कहीं सरकारी अस्पताल भी ले गए थे सीधे? नहीं नहीं, फिर वहाँ से कोई गांव का कोई फ़ोन किया था। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है। 2 बेटा 1 बेटी? हाँ। लड़के कहाँ रहते हैं? लड़के दोनों बाहर रहते हैं। ये उनकी पहली पत्नी थी? नहीं नहीं, पहली पत्नी है। यही नहीं मालूम चला ना आपस में क्या लोग किए, शाम को खा पी के सोए, रात में क्या हो गया ये नहीं मालूम चला। परिवार में रहता है कि दोनों लोग? नहीं नहीं, परिवार में यही लोग हैं। इनके भाई हुई? इनके भाई नहीं, ये कहीं हैं। माता हैं जिंदा, पिताजी मर गए हैं। किस चीज़ को लेकर विवाद था? यही नहीं मालूम चला ना विवाद किस चीज़ का। सुबह में शाम को लोग खाना खा के सोए थे, अब रात में क्या हो गया 11 बजे मालूम नहीं चला हम लोगों को, मालूम चला 1:30 बजे रात में। पहले आप लोग कहाँ लेके गए इनको? पहले तो हम लोग इनको तो गांव का कोई फ़ोन किया था, सदर में लेके चला गया, तो सदर में तो सुबह तक लावारिस पड़े थे, कोई इनके साथ में नहीं था। सदर में भर्ती हुए थे? हाँ सदर में हुए थे भर्ती, सदर के बाद यहाँ फिर आए वेदांता में। तो गांव का ही कोई लेके सदर में गया था? नहीं गाँव में नहीं, वो गाँव वाला जो फ़ोन किया था वो साथ में आया नहीं, एम्बुलेंस लेके सिर्फ आई। फिर आप लोग इनको लेके यहाँ आए? हाँ, कि सदर में से इलाज सदर में हुआ नहीं पूरा, वो लोग बोले कि रिफर कर दिया, नहीं दूसरे में लेके जाओ प्राइवेट में, हम लोग इसमें लेके चले आए। आजमगढ़ के विकास भवन के समीप हरिओत कला केंद्र में शनिवार को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि आईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इससे पूर्व मिशन शक्ति के फेज 4 के विशेष अभियान के शुभारंभ व विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने के अवसर पर आजमगढ़ में हरिओत कला केंद्र के सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति फेज 4 के लखनऊ के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि आईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं महिलाओं को सभागार में सम्मानित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में एडीएम राहुल विश्वकर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, सीओ सिटी व स्कूली छात्राएं, विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। आईजी ने बताया कि मिशन शक्ति फेज 4 के विशेष अभियान के तहत जनपद के सभी थानों पर नियुक्त महिला बीट अधिकारी कर्मचारीगण सहित समस्त थानों पर गठित महिला सुरक्षा विशेष दल एंटी रोमियो टीम द्वारा जन चौपाल लगाकर व बस स्टैंड, बाजार, गांव, कस्बा, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा। शक्ति दीदी अभियान के तहत महिलाओं बालिकाओं को उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं जैसे वुमेन हेल्पलाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 सहित अन्य सीयूजी नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। मिशन शक्ति का फेज 4 लॉन्च हो रहा है, कल से शारदीय नवरात्रा है, तो इसमें एक प्रोग्राम लॉन्च प्रदेश स्तर पर किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी का हर जनपद में सजीव प्रसारण देखने को मिला था और उसी के हिसाब से कल हमारे यहाँ प्रोग्राम है। जैसे आज आपने देखा होगा सुबह एक अलग आयोजन था, रैली थी, एक आयोजन था, उसमें सभी हमारी महिला कांस्टेबल वगैरह ने हिस्सा लिया था। अब प्रत्येक दिन ये कोशिश की जाएगी कि हर गांव में महिला जो कांस्टेबल हैं वो सब हैं पहुँचें वहाँ, और जो अन्य विभाग हैं उन सबकी जो जानकारियाँ हैं जो योजना चल रही हैं उनकी, और जो पुलिस के संबंध में जो अपराध से पे नियंत्रण के लिए अपराध के बारे में और जो जितनी हेल्पलाइन चल रही हैं उनसे कैसे बचा जाए और अगर कोई हो गया तो उसमें कैसे मदद मिले इसके बारे में जानकारी देने के लिए हर गांव में पुलिस पहुंचेगी, उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है। तो नवरात्रा में चलेगा और उसके बाद भी ये निरंतर चलता रहेगा, उसी के लिए आज ये स्टार्टिंग प्रोग्राम।
वार्डों में सीवर लाइन के लिए पाइप बिछाने का काम लगभग पूरा हो गया है। पाइप लाइन के साथ सड़कों पर चैम्बर भी बनाए गए हैं। सीवर लाइन के चैम्बर बनाने के लिए मार्ग की खुदाई की गई थी। खुदाई में निकले मलबे को सड़क पर ही छोड़ दिया गया। वर्तमान में चैम्बर बनकर तैयार हो गए, लेकिन अभी भी मलबा सड़क से नहीं हटाया है, जिससे वार्डवासियों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर मलबा पड़ा होने से वाहनों की आवाजाही भी नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। वार्डवासियों का कहना है कि पहले सीवर लाइन की पाइप लाइन डालने के लिए सड़क को खोदा गया था। सड़कों की अभी तक मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अब चैम्बर बनाने के लिए दोबारा सड़क को बीच में से खोद दिया गया। चैम्बर बनाने के बाद मलबे को अभी तक नहीं हटाया है। जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे सभी को परेशानी हाय रही है। चैम्बर बनने के बाद ठेकेदार ने इस ओर आना भी छोड़ दिया है। वार्डवासियों का कहना है सड़क पर चैम्बर के आसपास लगे मलबे के ढेर को हटाना चाहिए। सीवर लाइन के कार्य से जनता को अब तक भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सड़कों की खुदाई से आवाजाही प्रभावित हुई और अभी भी हो रही है। शहर में सीवर लाइन बिछाए जाने के लिए कराई गई खुदाई के बाद नई बनवाई गई सड़कें अभी से उखड़ने लगी है। ऐसी उबड़ खाबड़ सड़कों पर आवागमन के दौरान जहां एक ओर वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की स्थितियां बन रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों के घायल होने के हालात बन रहे हैं। इस प्रकार की समस्या किसी एक जगह नहीं बल्कि कई जगह बनी हुई है। इसके अलावा कई इलाकों में तो लाइन बिछाए जाने के बाद सड़कों का निर्माण ही नहीं कराया गया है। इस कारण आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अधिकारियों के निर्देश के बाद भी सड़क का सुधार नहीं हो पाया रहा, यह भी सोचनीय ही है। गली की स्थिति तो यही है, देखिए ना, पूरा जो जलकल वाले जो एक पूरा गली तहस नहस करके रखे हुए हैं। काफ़ी दिन से कई बार इन लोगों से कहने पे पूरी रोड एकदम ध्वस्त हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। आने जाने में काफ़ी समस्याएं हमेशा। पहले रोड तो सबसे बढ़िया हमारी थी। हाँ, अब इसमें सीवर लाइन का काम हुआ है, जलकल विभाग द्वारा जो है कि इसमें सीवर की लाइन बिछाई गई है। अब उसके बाद ये लोग बनाए, फिर उसके बाद इसी तरह से रिपेयर कायदे से किए नहीं, इसी तरह से करके छोड़ के चले गए। और मैंने कई बार विभाग को बोला, मैंने एक्सीएन को भी इनके फ़ोन किया, मैंने कहा कि साहब जो है कि इसको जो है कि सही करवा दिया जाए, तो वो हमेशा रोज़ आजकल करते हुए दिन टाइम अपना। अब दिक्कत तो यही देखिए ना, पूरी समस्या गाड़ी घोड़ा आने की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या चलने की। आगे पूरा तो काफ़ी टाइम जो है कि पूरा पानी भर जाता है बरसात में, तो इस तरह से पूरा मट्टी उट्टी पड़ गई थी कि पूरा बारिश में पानी भर गया था। हाँ, गिर जाते हैं। है कि सड़क इस तरह से क्षतिग्रस्त है कि रात में आने जाने में मोटरसाइकिल से और बच्चे गिर जाते हैं अपना, कई बार कई लोगों को चोट लग चुकी है। तो बस यही है कि जल्दी से हमारी रोड जो है बढ़िया से इसका निर्माण हो। अरे एकदम बेकार स्थिति है, पहले एक नंबर की थी, अब तो शिविर के लिए खुदाई करके गए हैं और खुदाई भी किए, बढ़िया से पाटे भी नहीं, सब आधा तिया काम करके गए लोग, कोई मतलब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी गली सही हो, सब सिस्टम सही हो, जो खुदा है उसको सही से बरोबर करें, जहाँ जहाँ उबड़ खाबड़ उसको सही करें, मट्टी बैठ गई है, मट्टी सही करें। सनातन धर्मी परिवारों ने शनिवार को विधि विधान पूर्वक अपने पितरों को श्रद्धा के साथ विदाई दी। सुबह से ही तमसा के तट पर स्नान के बाद जलांजलि व पिंडदान और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान का सिलसिला शुरू हो गया। शहर में गौरीशंकर घाट के किनारे पहुंचकर जहां कुछ लोगों ने समस्त कर्मकांड पूरे किए, वहीं तमाम लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घरों में ही पुरोहितों को बुलाकर पिंडदान कराया। उसके बाद पितरों के नाम से भोजन निकाला गया और परंपरा के अनुसार उसे गाय कोवे को खिलाया गया, लेकिन शहरी क्षेत्र में गाय कोवे को खोजने के लिए लोगों को भटकना पड़ा। अंत में पितृदेव के नाम से अग्नि को भी भोजन समर्पित किया गया। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और सामर्थ्य के मुताबिक दान दिया गया। उधर पितृ विसर्जन के दिन पितृदेव को तरह तरह के पकवान समर्पित करने की परंपरा को देखते हुए घर की महिलाएं सुबह से ही भोजन तैयार करने में लगी हुई थी। उन्होंने पितरों को श्रद्धापूर्वक इस कामना के साथ विदाई दी कि पितर हमें आशीर्वाद दे ताकि अगले बरस हम आपकी और भी बेहतर ढंग से सेवा कर सकें।
भारतीय संस्कृति के अनुसार पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता व परिवार के मृतकों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जिसके चलते ही पितृपक्ष के दौरान लोगों ने पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करके उन्हें खुश करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने श्राद्ध की विधियों को पूरा किया। पंडित ओमकार नाथ उपाध्याय ने बताया कि पितृपक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है, जब हम अपने पितरों की शांति व उन्हें प्रसन्न करने के उपाय करते हैं। इस दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार से पितर नाराज ना हो। यदि पितर नाराज होते हैं तो पितरों का दोष लग सकता है। इससे घर में संतान का सुख, वंश वृद्धि, परिवार अस्थिरता, मानसिक तनाव आदि से गुजरना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि यदि आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका संकेत है कि आपके घर में पितृ दोष है और आपसे आपके पितृ अतृप्त हैं। श्राद्ध के दौरान अगर जरा सी चूक हो जाए तो इन सब समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। हमेशा अपने पितरों को खुश रखने के लिए श्राद्ध को विधिवत तरीके से पूर्ण करना चाहिए। यह कार्य जो है साल में 15 दिन आमोस्या एकम से लेके आमोस्या तक आता है, जो कि अश्वनी कृष्ण पक्ष एकम से लेके आमोस्या तक आता है। यह श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध जो है श्रद्धा से किया जाता है। इसमें अपने पूर्वजों के लिए यह कार्य किया जाता है। यह कार्य तिथि पर, अन्यथा जो बचे खुचे लोग रहते हैं वो अमावस्या के दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए यह कार्य करते हैं। इसके बाद जो है पिंडदान करते हैं। पूरा 15 दिन तर्पण चलता है। जिस दिन जिसकी तिथि होती है उस दिन उसका पिंडदान होता है। आखिरी दिन तर्पण और पिंडदान करके अपने अपने पूर्वजों को विदाई करते हैं। इसमें 3 गौग्रास निकलता है, कौवा, कुत्ता, गाय। यह तीनों निकाल करके उसके बाद पितरों की विदाई की जाती है। इससे लाभ जो है धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, परिवार की वृद्धि होती है। साल में हमेशा लाभ होता है और इसके करने से हर प्रकार की मनोकामना को पूरी की हो सकती है। शक्ति के आराधना नवरात्र के पर्व से एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कर दी गई है। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की शनिवार को शुरुआत हुई। इस अवसर पर शहर में पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। पुलिस लाइन से शुरू हुई रैली शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए कला भवन पहुंचकर संपन्न हुई। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन से महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा व प्रतिसाद निरीक्षक संतोष सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सरकार के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आम जनमानस को नारी सुरक्षा के प्रति जागृत करने का आह्वान किया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के अंतर्गत पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा रैली निकालकर महिलाओं को सुरक्षा के प्रति एहसास कराया गया। नारी शक्ति को सुरक्षा का एहसास और जागरूकता लाने के लिए पुलिस लाइन से रैली निकाली गई। 2 पहिया, 4 पहिया और पैदल रैली शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए कला भवन पहुंच संपन्न हुई। इस दौरान मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं, बालिकाओं को सरकार व पुलिस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं जैसे वुमेन हेल्पलाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098,
स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 सहित अन्य सीयूजी नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। आज से मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। शासन के निर्देशों के अनुसार इसका पहले आयोजन के रूप में एक जागरूकता रैली आज निकाली गई है, जिसमें पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के भी जितनी योजनाएं हैं बालिकाओं से महिलाओं से संबंधित, उनके प्रचार प्रसार हेतु, जागरूकता हेतु, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको इसके बारे में बताने के लिए, इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली का समापन हरियोद कला केंद्र पर होगा, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज लखनऊ में उद्घाटन किया जा रहा है इस पूरे मिशन का, और उसका लाइव प्रसारण होगा और अन्य कार्यक्रम वहाँ पर संपादित। आजमगढ़ नगर के पुरानी कोतवाली में होने वाली श्री राम लीला की शुरुआत शुक्रवार की रात मुकुट पूजन और नारद मौके मंचन से हुआ। मंचन में नारद के बंदर रूप ने लोगों को लोटपोट कर दिया। दरभंगा बिहार से आए कलाकारों की जीवंत प्रस्तुतियों की दर्शकों ने तालियों से सराहना की। बीच बीच में भगवान श्री राम के लग रहे जयकारों से वातावरण श्रीराममय हो गया था। श्री रामलीला समिति पुरानी कोतवाली के तत्वावधान में आयोजित रामलीला का शुभारंभ शुक्रवार की शाम 8 बजे मुकुट पूजन और हवन पूजन के साथ हुआ। श्री रामलीला मंडल मिथिला धाम बिहार कलाकारों ने नारद मोह का मंचन किया। मंचन के क्रम में नारद के घमंड को तोड़े के लिए श्री विष्णु भगवान ने नारद को बंदर का रूप देते हैं। इसके बाद नारद श्रीनगर के राजा की पुत्री से शादी करने जाते हैं। राजा के दरबार में बंदर के रूप को देख लोग खूब हंसते हैं। इसी बीच शंकर जी के भेजे गए दो गणों ने नारद को उनका बंदर वाला चेहरा दिखाते हैं। अपने इस रूप को देख नारद क्रोधित हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। साथ ही नारद दोनों गणों को श्राप देते हैं कि जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओगे। मंचन के दौरान नारद के बंदर के रूप को देख दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। इस मौके पर समिति के महामंत्री डॉ राजेंद्र प्रसाद, समिति के संयोजक विभाष सिन्हा, श्री चंद्र, सुरेश जायसवाल, गौतम सेठ, संतोष जयप्रकाश, श्रवण भोला सेठ, त्रिलोकी साव, राजीव कुमार, सुरेश केसरी, अजय, पवन, विनायक, आकाश, जयप्रकाश आदि उपस्थित थे। अब मैं जाऊं दर्शन के लिए, चलो तुम आगे चलो, मैं पीछे से वंदना करते हुए आ रहा हूं। कर्पूर गौरंग करुणायवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे खोलिए। नारायण नारायण हे प्रभु, मैं आपको बारंबार पहले प्रणाम करता हूँ भगवान। अब आप पूछिए मुझे बुलाने का कारण क्या है। हे नाराज जी, अभी अभी तो आप क्षीर सागर से आए थे, फिर बुलाने का क्या कारण है। नारायण नारायण हे प्रभु, जब मैं आपके यहाँ से चला तो रास्ते में एक सुंदर नगर मिला जिसका नाम श्रीनगर, जहाँ के राजा शीलनिधि, जिनके पास एक पुत्री जिसका नाम विश्वमोहिनी, और वास्तव में वो विश्व को मोहन करने वाली है। इतनी सुंदर है जिसकी सुंदरता को देखकर, जिसके हाथ की रेखा में मैंने लिखा पाया कि जो यही बड़े अमर सो होई समर भूमि ते जीतन कोई। नारायण नारायण सुनो, तुम्हारा मित्र इंद्र जो है वो सदा का लोभी लंपत लवार है। जिस प्रकार से एक कुत्ता अपने मुख में हड्डी को दबाए रखता है, उस पर बार बार दांत मारता है, खून उस हड्डी से नहीं बल्कि कुत्ते के दांत से निकलती है। वो कुत्ता समझता है कि खून हड्डी से निकलती है, और सामने से यदि कोई सिंह को आते देखता है तो उसी हड्डी को अपने चंगुल में दबा के सरपट दौड़ के भागता है कि कहीं सिंह आके मुझसे वो हड्डी छीन ना ले। उसी प्रकार से तुम्हारा मित्र इंद्र है, जिसने राज रूपी स्वर्ग रूपी हड्डी को अपने हाथों पे दबाए रखता है,
कि कहीं कोई ऋषि मुनि महात्मा तपस्या के बल से ये स्वर्ग लोक का अधिकारी न हो जाए। जाओ अपने मित्र से कह देना, नारद मेरा मजाक उड़ाया, हमारी हंसी की है, तो जाओ तुम दोनों को मेरा श्राप है कि तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, एलईडी स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का एलईडी टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराए 1,100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। खबर के प्रायोजक है दुबई थीम सिटी ड्रीमलैंड प्रदर्शनी एवं मेला जीडी ग्लोबल स्कूल के बगल में देवम गेस्ट हाउस के सामने करतालपुर तिराहा आजमगढ़। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंशपुर आजमगढ़। स्नातक, स्नातकोत्तर, बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन ओपन, जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्लेग्रुप 2 क्लास 10। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइंड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एज पर सीबीएसई स्टैंडर्ड्स, आउटडोर एंड इनडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। Our branch, Kids Paradise, Fun of Learning Playgroup, section of Paradise International School, 200 plus design activity, kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvoday Mahila PG College, Gorakh, Harbanshpur, Azamgarh. Pravesh Praram, Satra 2023-2024. Snatak Kala Sankai, Hindi, Sanskrit, Angrezi, Bhugol, Siksha Shastra, Mano Vigyan, Samaj Shastra, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास, स्नातक विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर कला संकाय, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।